नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। आपका इंडियन आपको स्वागत करता है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बढ़ रहे हैं कोलार की तरफ कोटिलिंगेश्वर के दर्शन करने। कोटिलिंगेश्वर बैंगलोर से लगभग 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अवस्थित है। तो अभी हम हैं NH पर और आगे बढ़ रहे हैं कोलार की तरफ। काफ़ी खूबसूरत व्यू है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी शाम होने को है और हम आके पहुंच चुके हैं कोटिलिंगेश्वर के मेन गेट के पास। ये मंदिर का पार्किंग लॉट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत सारी गाड़ियां जमा हुई है। इसका मतलब बहुत सारे श्रद्धालु दूर दूर से कोटिलिंगेश्वर के संध्या दर्शन के लिए आए हुए हैं। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, आप देख सकते हैं ये मंदिर हर ओर से शिवलिंगों से भरा हुआ है। आप सोच रहे होंगे ये इतने सारे शिवलिंगों का एक साथ यहाँ पे होने का कारण क्या है। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो कि भक्त मंजुनाथ से जुड़ा हुआ है। तो वो स्टोरी मैं आपको आगे बताता हूँ। ये कहानी मंजुनाथ की भक्त मंजुनाथ में परिवर्तित होने से जुड़ा हुआ है। भक्त मंजुनाथ का जन्म कामसंद्रा ग्राम में हुआ था और वह बचपन से ही नास्तिक थे और भगवान की निंदा करते थे। लेकिन उनके जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित हुई जिन्होंने उनको नास्तिक से आस्तिक बनने में विवश कर दिया। तो इसके उपरांत मंजुनाथ अपने परिवार के साथ मंदिर में महादेव के दर्शन करने आए थे, लेकिन वहाँ पे एक बहुत अशुभ घटना घटी और मंदिर के सारे दिए बुझ गए। तो वहाँ पे उपस्थित सारे लोगों ने मंजुनाथ और उनके परिवार की निंदा करने लगे। लेकिन उस समय महादेव के और एक भक्त भी वहाँ पे उपस्थित थे जिन्होंने मंजुनाथ को अपने निर्दोष होने का प्रमाण सिद्ध करने के लिए कहा। तो कहते हैं उसके बाद जब मंजुनाथ ने अपने भजन गाए तो मंदिर के सारे दिए फिर से जल उठे और मंजुनाथ ने प्रमाण कर दिया कि वो ही सबसे बड़े भक्त हैं। क्योंकि मंजुनाथ ने 1 करोड़ बार महादेव की निंदा की थी, उन्होंने 1 करोड़ महादेव लिंगों की प्रतिष्ठा करने की वहाँ पे प्रण किया और जिसमें उनकी मदद की थी महाराज श्री अंबिकेश्वर वर्मा और उनके परिवार वर्गों ने। और इस तरह इस जगह का नाम कोटिलिंगेश्वर हो गया। यहाँ पे अवस्थित 108 फीट के शिवलिंग को भारत के सबसे बड़े शिवलिंग भी माना जाता है और नंदी की उच्चता 38 फीट है, जो कि 15 एकड़ के एरिए में चारों तरफ से शिवलिंगों से घेरे हुए हैं। केवल इतना ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु और महेश के अलावा यहाँ पे दूसरे देवा देवियों के मंदिर भी उपस्थित हैं और पूजा में लागू हैं। तो वो आप आगे आगे वीडियो में देख सकते हैं।
जैसा कि आपने देखा यहाँ पे दूसरे देवा देवी गौरी गणेश और हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक 8 बजे से 12 बजे तक और 4 बजे से 7 बजे तक यहाँ पे मंदिर में प्रसाद भक्तों के लिए उपलब्ध करवाई जाती है। मंदिर के बाहर एक छोटा सा बाजार भी बैठा हुआ है जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। मंदिर की मूर्तियाँ वगैरह की छोटी छोटी रेप्लिका जो है वो मिलती हैं। बहुत सारी दूसरी चीज़ों भी, छोटे बच्चों की चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम मंदिर से निकल चुके हैं और रास्ते में हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू है। आप दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव पे आ सकते हैं। और वीडियो समाप्त करने से पहले आप सब लोग को रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।